वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, यहाँ पर आपको जीडी और सीएचक्यू का एक बेस्ट प्रेडिक्शन मिलेगा और आपको 100% यार विनिंग तो जरूर होगी दोस्तों। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बिना टाइम गवाए यहाँ पर जीडी और सीएचक्यू का मैच होने वाला है दोस्तों, तो उसके इधर यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे। बट प्रेडिक्शन करने के पहले यार मुझे एक कॉन्टेस्ट के बारे में बोलना है आपको यार। हो सके उतना ये मेगा कॉन्टेस्ट से दूर रहा करो यार आप लोग, हो सके उतना ये जो होता है ना वो कॉन्टेस्ट या मेगा कॉन्टेस्ट उससे दूर रहा करो, और हो सके उतना जो है दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड खेला करो यार। हेड टू हेड में ज़्यादा विनिंग के चांसेस होते हैं। अगर तीन मेंबर में से आपका है एक विनर है तो दोस्तों उसी में भी हम रैंकिंग इजीली करवा देते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी आपको वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो चलिए आज की टीम जो है वो पिकअप कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको खाली उन्हीं प्लेयर्स के बारे में बता दूंगा दोस्तों जो यहाँ पर खेलने वाले हैं। अगर आपको पूरी डिटेल में चाहिए तो मैंने वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दोस्तों, आपको वहाँ से भी डिटेल्स में मिल जाएगा। तो यहाँ जो चलिए देखते हैं आज के जो हमारे प्लेयर्स हैं कौन कौन से अच्छे खेलने वाले हैं दोस्तों। तो देखा जाए दोस्तों तो LDN जो का फॉर्म जो अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है मैच GED की तरफ से, तो उनको ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा गोलकीपर की तरफ से। हो सके तो आप उनको तो वो तो खेलेंगे बट ऑलमोस्ट यार एस वही जो है उनके लिए उनसे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैच होने वाला है CHQ की तरफ से, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोस्तों, तो उनको पिकअप करना ही चाहिए क्योंकि ज़्यादा जो है आज मेहनत जो है SVLG को करनी है टीम के लिए दोस्तों। अगर ये वो टीम के लिए खेलेंगे तो ही कुछ होगा, तो इसके लिए दोस्तों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। यहाँ पर हिस्ट्री की तरफ से देखा जाए दोस्तों तो एप जर्निंग जो वो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, और जो GED की तरफ से जेड लिन पेंग जो है दोस्तों वो भी यहाँ पर अच्छे से खेलने वाले। तो जेड पेंग अभी तक एग्जॉटिंग का जो है वो अभी तक का उनका फाइनल नहीं है, वो इंजर्ड है तो उनको लेना रिस्की होगा हमारे लिए। यहाँ पर वॉइस जो वो यहाँ पर हमारे लिए अच्छे चलने वाले दोस्तों। यहाँ पर एल चेन जो है यहाँ पर वो भी चल सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर एल चेन हो गए दोस्तों। और यहाँ पर PGSU जो है उनका फॉर्म दोस्तों इतना खास रहा है CHQ की GED की तरफ से दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहा है, तो उनको पिक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देखा जाए नीचे दोस्तों तो इस तरह होता है। और अगर आप देखिए जेड गाओ जो है, अगर आप यहाँ पर जेड गाओ को पिकअप करते हो दोस्तों तो मैं एक ऑप्शन देता हूँ आपको कि यहाँ पर आप एल चेन को मत पिकअप करो। अगर आप उनको पिकअप करते हो तो यहाँ पर जो जेड गाओ दोनों में से किसी एक ही बंदे को पिक करो दोस्तों। तो यहाँ पर मिड फील्डिंग की तरफ आते हैं दोस्तों, मिड फील्डिंग पॉलिनो जो है उनका फॉर्म अभी तक का इतना मस्त रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छे से मिड फील्डिंग में खेल लेते हो तो बंदे को यार उसको पिकअप करना हमारे लिए काफ़ी सही होगा दोस्तों, तो उनको पिकअप करना ही होगा। जो है अभी AMIs का उनको अभी तक का कोई न्यूज़ नहीं आया, अगर कोई आता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी टीम भेज दूंगा अपडेटेबल, और टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको दी है, आप खाली क्लिक करना और आ जाना टेलीग्राम चैनल पर। तो WSR जो है वो भी यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो खेलने वाले हैं दोस्तों 100%, तो उनको पिक करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और देखा जाए आगे तो फेरेंड जो है दोस्तों उनको भी पिकअप करना सही होगा, बट वो भी इंजर्ड है तो उनको भी यार रिस्की प्लेयर हमें लेना ही नहीं यार, जो हो सके उतना जो सही बंदा खेल रहा है तो उसी को पिक करना है। यहाँ पर CHQ की तरफ से जे जो है उनको भी पिकअप करना होगा हमें क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है, हमें वो बंदा जो है टीम को यार पॉइंट जो इजीली ग्रो करवा देता है दोस्तों, और पॉइंट बढ़ेगा तो ही हमारी रैंक अच्छी होगी, तो एस पैंक जो है वो भी यहाँ पर हमें लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ST में देख लेते हैं एक बार, ST में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ST की तरफ से देखा जाए फॉरवर्ड की तरफ जो बंदे खेलते हैं एलेक्जन जो है वो यहाँ पर अच्छे फॉर्म में चलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से GED की तरफ से हम जो है एलेक्जन को पिक करेंगे, और जो GED जो दोस्तों GED की तरफ से तो हो गया अभी, और जो फॉरवर्ड में जो है अभी हमको यहाँ पर जो है CHQ का एक बंदा पिक करना है दोस्तों। तो CHQ की तरफ से अभी जो न्यूज़ आई है दोस्तों फिलहाल जो है लियू जो है वो यहाँ पे खेलने वाले हैं दोस्तों, और CHQ की तरफ से M ऑगस्टो जो है वो यहाँ पर आज खेलने वाले हैं। M ऑगस्टो के लिए पहले मैच अच्छा इंपॉर्टेंट हो रहने वाला है क्योंकि उनका पहला है, तो उनको भी इंपॉर्टेंट होने वाला है मैच। तो दोनों इन दोनों में से आप लियू को भी ले सकते हो और ऑगस्टो भी ले सकते हो, दोनों दो चॉइस है आपके पास, आप दोनों में से किसी भी एक को चॉइस कर लो। तो फिलहाल जो है टीम की तरफ से मैं यहाँ पर वाई लियू को लेना चाहूँगा दोस्तों क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है यार, बंदा पॉइंट ग्रो करवाता है तो जीतने के लिए
लिए हम लगाते टीम, तो यार हम उनके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी इस तरह आ जाती है हमारी टीम यहाँ पर पूरी। और दोस्तों यहाँ पर असली खेप कप्तान और वाइस कप्तान का हो जाता है। कप्तान और वाइस कप्तान के अंदर जो मैच होता है दोस्तों पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है। तो कप्तान और वाइस कप्तान हमारे लिए पिक करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तभी तो का जेड पी एन का जो है फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, पोनालियो का भी अच्छा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल जो है हम कप्तान जो है पॉलिनो के ही साथ जाएंगे दोस्तों। उन्हीं का फॉर्म अच्छा रहा है और इनके हमेशा देखते हैं मैचेस यार तो काफ़ी अच्छे से जाता है दोस्तों। तो उनको पिक करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। और देखा जाए तो अगर वाइस कप्तान की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप जो है एस विजय जो है उनको भी पिक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर पी जी सू जो है उनको भी आप पिक कर सकते हो, डब्ल्यू साई ओ जो है उनको भी पिक कर सकते हो दोस्तों, और लियू जो है उनको भी कर सकते हो आप। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बस अपने को एक ही बंदा पिक करना है जो हमारे टीम को ग्रो करेगा दोस्तों। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पर जाएंगे डब्ल्यू साई ओ के साथ दोस्तों, क्योंकि वो बंदा जो है काफ़ी इजीली खेल लेता है दोस्तों। तो उनको पिक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो उस तरह से हमारी ड्रीम इलेवन की फाइनल टीम तैयार हो जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रेडिक्शन से काफ़ी हेल्प हुई होगी दोस्तों। और दोस्तों हो सके तो यार प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर ठोकना, और हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।